हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, जो जो ऑनलाइन है एक बार आप कमेंट करके बताएं कौन कौन ऑनलाइन है। फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट के अंदर अंदर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। जो टॉपिक चल रहा है आपको पता लग ही गया होगा हेडिंग से ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और आज थर्ड लेक्चर है हमारा इसके ऊपर। और आज आपको टेस्ट भी दिया था करने के लिए, एक बार आप कमेंट करके बता दो कि कौन कौन क्लास में है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो अभी करें स्टार्ट। हितेश नमस्ते, चलो करें अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, आई थिंक हमने अराउंड 100 तक तो हमने कर लिए थे, 100 के आसपास हम कर चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हेलो अरुण, हाउ आर यू? हेलो वंशुल, अरुण समझ आ रहा है सारा का सारा? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी तरह की? आज आपको टेस्ट भी दिया था अरुण, वो किया क्या आपने? ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 101 से। हेलो चरण, हाउ आर यू? हेलो करण, देखो अब हम 101 तक हमने कर लिए हैं और इसके पहले वाले वीडियोस YouTube पर ही पड़े हुए हैं। गुड इवनिंग वंशुल, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो तो बिल्कुल सिंपल से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और कई सारे एग्जाम में टॉपिक आता है ये, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये वन वर्ड की। ओके, तो ये आप ध्यान से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि जब एक स्टूडेंट टारगेट करता है गवर्नमेंट जॉब का तो ऐसा नहीं है कि पहला ही एग्ज़ाम क्रैक हो। बहुत बार होता है पहला भी क्रैक हो जाता है, लेकिन कई बार हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको ये अलग अलग एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। ओके, जो हम फर्स्ट आज पढ़ रहे हैं दैट इज़ 101। देखो पहला है ऑडिबल। ऑडिबल तो आपको पता ही है, जो हम देख सकते हैं वो ऑडिबल है, जो भी हम देख सकते हैं वो ऑडिबल है। जैसे आप ये देख सकते हो लड़की क्या है, मीन्स ईयरफोन्स लगा के या हेडफोन लगा के कुछ सुन रही है, तो ये ऑडिबल है। ऑडिबल का मतलब जो सुन सकते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, ऑडिबल बोलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ऑडियंस। तो हमें पता ही है दर्शक होते हैं, ऑडियंस क्या है, दर्शक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑडियोलॉजी। देखो हमें मालूम है कि लॉजी का मतलब क्या है, साइंस, और ऑडियो का मतलब है सुनना। तो कान, देखो स्पेशली हियरिंग डिफेक्ट्स का ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना? अगर हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे ऑडियोलॉजी की, चेक करते हैं, देखो कैसे दिखाते हैं ऑडियोलॉजी। देखो ऑडियोलॉजी का मतलब है कि साइंस किसकी, कान की, सुनना, सुनाई देने में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑडियोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, बच्चे को चेक कर रहे हैं, इसके कान वगैरह चेक कर रहे हैं, तो ये आप डॉक्टर देख सकते हो, तो ये क्या है, ऑडियोलॉजी दिखा रखा है, ठीक है ना? हेलो कुलदीप, हाउ आर यू? हेलो गुड इवनिंग पीहू। देखो ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो खाते वगैरह को चेक करता है। जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आप कैग डिपार्टमेंट देखते हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो ये ऑडिटर क्या करते हैं, जो खाते वगैरह को चेक करते हैं कि खाते में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो क्या है, ऑडिटर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑरिस्ट, अ स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड टू ईयर। देखो इंग्लिश में ना AUR ये कान को इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट, कान को इंडिकेट करता है। और IST का मतलब क्या है, व्यक्ति, तो व्यक्ति जो के कान को ट्रीटमेंट वगैरह करता है उसको बोलते हैं ऑरिस्ट है। जैसे आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, आप ये इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो ये कान को स्टडी वगैरह कर रहा है ऐसा दिख रहा है, तो ये ऑरिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, ऑटोबायोग्राफी।
देखो पहली बात तो हमें क्या समझनी है कि बायोग्राफी का मतलब क्या होता है। बायोग्राफी का मतलब है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, बायो का मतलब है लाइफ, और ऑटो का मतलब खुद। अगर आप कोई किताब लिखते हैं तो वो मतलब कि खुद के ऊपर लिख रहे हो तो आत्मकथा है वो, ठीक है ना। जो अगर आप कोई किताब लिखते हो, खुद के ऊपर किताब लिख रहे हो, वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोक्रेसी, देखो क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। क्रेसी का क्या मतलब है, शासन। ऑटो का मतलब होता है एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति का राज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो व्यक्ति राजा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट है। जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये ऑटोक्रेट है, ठीक है ना। ऑटोक्रेट का मतलब कोई सिस्टम नहीं है, जो राजा है जो बोलेगा वही होगा। ऑटोग्राफ तो आप सबको पता ही है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं ऑटोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी। देखो ऑटोनॉमी का, देखो नॉम का मतलब होता है सिस्टम, नॉम का मतलब क्या होता है, सिस्टम। ऑटो का मतलब होता है खुद, तो सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब होता है खुद का राज, ऑटोनॉमी होता है। गुड इवनिंग रजत, ठीक है ना। सेल्फ रूल क्या होता है, ऑटोनॉमी। जैसे आपको ना कई बार ऐसा लिखा मिलेगा कि भारत में क्या है, सीबीआई क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी है मीन्स स्वतंत्र बॉडी है, ये किसी के अंडर नहीं आती। तो सीबीआई, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और ऑटोनॉमस होता है स्वतंत्र कह सकते हो, जो खुद से डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। देखो हमें मालूम है कि ऑटो का मतलब क्या है, सॉरी फोबिया का मतलब क्या, डर। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, तो स्वयं से डरना। अब देखो स्वयं से हम कब डरेंगे, जब अकेले रहेंगे, तो खुद का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले का डर क्या होता है, ऑटोफोबिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अवेरिस। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, अवेरिस को आप क्या पढ़ोगे, अ वेरी रिच पर्सन, कैसा रखोगे, अ वेरी रिच पर्सन। अब देखो अवेरिस को क्या पढ़ोगे, अ वेरी रिच पर्सन। तो देखो मान लो कोई आदमी अमीर बहुत है लेकिन दिल नहीं है उसका, ठीक है ना। आप कई बार देखते हो ना किसी के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन खर्चने की हिम्मत नहीं होती या दिल नहीं होता खर्चने का, तो ऐसे वो बोलते हैं अवेरिस है। अवेरिस का मतलब लोभी, लालची, जो लालच रखता है उसको बोलते हैं अवेरिस है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, कुछ भी आपने पूछना है तो कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अवेरिस से ही वर्ड क्या बना है, अवेरिशियस। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अवेरिशियस वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, बताओ भाई। एक आप वर्ड का जवाब दो, अवेरिशियस वर्ड जो है एडजेक्टिव है या नहीं है, बताओ। अब देखो अवेरिशियस लास्ट में क्या आ रहा है, ओजुएस आ रहा है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओजुएस लिखा मिलता है, ये हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये क्या है, हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवियरी। देखो इंग्लिश में क्या है, अगर ए भी लिखा मिलता है आपको, ये पक्षियों को इंडिकेट करता है, ये पक्षियों को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। एवियरी का मतलब होता है, मतलब कि जाल, पिंजरा कह सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी है, ये पक्षी शाल लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्जियोम। देखो एक्जियोम का मतलब होता है एक तरह की कहावत कह सकते हो आप, ठीक है ना। कोई कहावत वगैरह होती है ना उसको बोलते हैं एक्जियोम है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं क्या है, बैचलरहुड तो आपको पता ही है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो बैचलरहुड। अब बताओ बैचलरहुड नाउन है या नहीं है, बताओ बताओ बैचलरहुड वर्ड नाउन है या नहीं है, तो कुआरापन को कह सकते हो आप बैचलरहुड, ठीक है ना। कोई कमेंट करके बताना कि बैचलरहुड नाउन है या नहीं है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैलेड। यस बैचलरहुड इज अ नाउन। बैलेड का मतलब होता है गाथा। देखो मान लो किसी कहानी को दोहों के रूप में सुनाया जाए या पोयम के रूप में सुनाया जाए, मान लो कोई कहानी है, जैसे मान लो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपने सुनी, लेकिन आपने वो दोहों के रूप में सुनी, आपने वो कविता के रूप में सुनी, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वो कहानी को जो कि दोहों के रूप में बताई गई है, कविता के रूप में बताई गई है, उसको बोलेंगे गाथा है ये, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेड है, ठीक है ना, बैलेड है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है,
बैलिस्टिक क्या होता है? देखो, साइंस डीलिंग विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट्स, बॉम्ब्स एंड शेल्स. देखो, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, आपने जरूर देखी होंगी. बैलिस्टिक मिसाइल्स के अपन एग्जांपल देखते हैं. देखो, बैलिस्टिक क्या होता है, जो मतलब के जैसे कोई आपने रॉकेट वगैरह छोड़ा या बंदूक से गोली छोड़ी, तो उसका जो फिजिक्स है वो समझना बैलिस्टिक एक तरह से, ठीक है ना. ये ग्राउंड के साथ चलती है, ज़्यादा हाइट पे जाती नहीं है, तो इसको इंडिकेट करते हैं बैलिस्टिक, ठीक है ना. साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट, बॉम्ब एंड शेल्स, ठीक है ना. तो रॉकेट, बॉम्ब या शेल्स की जो एक तरह से साइंस है वो बैलिस्टिक है. बैंकक्रप्ट आपको पता ही है, दिवालिया, जो कर्जा लेकर अपना कर्जा उतार नहीं पाता वो क्या होता है, बैंकक्रप्ट होता है. क्या लिखा है, वन हु कांट पे द डेब्ट्स. डेब्ट का मतलब क्या, कर्जा. जो अपना कर्जा उतार नहीं पाता उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट है, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैथोफोबिया. बैथोफोबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. देखो बैथोफोबिया, देखो हमें मालूम है कि फोबिया का मतलब क्या है, फोबिया का मतलब है भय, डर. फोबिया का मतलब क्या है, डर. और बैथ का मतलब ऐसे नहाना होता है, बात का मतलब क्या है, नहाना. अब मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, ये नहाने के लिए पानी निकालने के लिए गया, लेकिन कुएं की गहराई देखकर डर गया, ये गहराई इतनी ज़्यादा थी डर गया. तो बैथोफोबिया का मतलब होता है गहराई का डर, गहराई से डरना क्या होता है, बैथोफोबिया. हाँ, इंसॉल्वेंट भी यही होता है पीहू. बीहेड करने का मतलब होता है किसी की गर्दन काट देना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना. इसका हम इमेज भी देख सकते हैं बीहेड की. बीहेड का मतलब क्या है, किसी की गर्दन काट देना, ठीक है ना, बीहेड कर देना. अब आप जैसे कई सारे इसमें एग्जांपल देख सकते हो, ये बीहेड का एग्जांपल है, ठीक है. अब देखो बेलिकोस, देखो हमें ये मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बेल लिखा मिलेगा ये लड़ाई को इंडिकेट करता है, ये लड़ाई को इंडिकेट करता है. बेलिकोस का मतलब क्या होता है, बेलिकोस का मतलब क्या होता है, लड़ाकू. जिनका व्यवहार क्या है, लड़ाई करने वाला है, लड़ाई करने को तैयार रहते हैं, वो क्या होते हैं, बेलिकोस होते हैं. वो क्या है, बेलिकोस है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेलीग्रंट, भी क्या होता है, लड़ाकू होता है. सेम रूट है बेल, अगर इंग्लिश में बेल लिखा मिलता है ये किसको, लड़ाई को इंडिकेट करता है. तो बेलीग्रंट का मतलब क्या है, लड़ाका. और बेलिकोस का मतलब भी क्या होता है, लड़ाका होता है. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनेवोलेंट. अब बताओ जिन्होंने क्लास पे लगा रखी है कि बेन इंग्लिश में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बताओ, बताओ भी, बेन इंग्लिश में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, कमेंट करके बताओ. और वोल का मतलब होता है इच्छा. और अगर आपने पहले क्लासेस लगाई हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि बेन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वोल का मतलब होता है इच्छा. तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरे के लिए अच्छी भावना रखता है, जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट है, उदार, बड़े, ठीक है ना. विशिंग गुड थिंग्स फॉर एनदर इज बेनेवोलेंट. हाँ, अरे आगे के, टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, चारों तरफ सेना से या आर्म्ड फोर्सेस घेर लेना क्या होता है, बिसीज कर देना, ठीक है ना, बिसीज कर देना. नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंगेज्ड टू बी मैरिड, बेट्रोथेड. मंगेतरू क्या बोलते हैं, बेट्रोथेड बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिब्लियोफाइल. देखो फाइल का मतलब क्या होता है, लव. और बिब्लियो का मतलब होता है किताबें. तो जिसको किताबों से बहुत प्यार हो, जो किताबें पढ़ता रहता हो, नई नई किताबें देखता रहता हो, वो क्या है, बिब्लियोफाइल है. एग्जाम्पल देखते हैं बिब्लियोफाइल का. देखो आप ये देख सकते हो लड़की को, ये पढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा किताबों के बीच में, ये कहते हैं बिब्लियोफाइल है, ठीक है ना. जो किताबों से बहुत ज़्यादा शौक को पढ़ने का, वो बिब्लियोफाइल होता है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायएनियल. देखो हमें मालूम है कि इंग्लिश में ई डबल एम किसको, साल को इंडिकेट करता है. और बाय का मतलब होता है दो. तो अगर कोई चीज़ दो सालों में एक बार आती है उसको बोलते हैं बायएनियल. अगर कोई चीज़ दो सालों में एक बार आती है, जैसे मान लो आपका बर्थडे तो हर साल आता है, तो वो क्या है, एनुअल है. वो क्या है, एनुअल है. लेकिन अगर कोई चीज़ दो सालों में एक बार आती है, बाय का मतलब दो होता है और एन का मतलब होता है साल, उसको बोलते हैं बायनियल है ये, ठीक है ना. और गैमी का मतलब क्या होता है, शादी. हमने पहले पढ़ रखा है गैमी का मतलब क्या है, शादी है. और एक शादी क्या होती है, मोनोगैमी. जो एक शादी है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोगैमी. और बायगैमी क्या होता है, दो शादियाँ. एक शादी के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मोनोगैमी है. जैसे हिंदूज में क्या होता है, मोनोगैमी होता है. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट क्या है,
एक लड़का मोनोगैमी कर सकता है, मोनोगैमी का मतलब एक शादी, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं दे कैन हैव दे कैन बायोगैमी और पॉलीगैमी। तो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो बायोगैमी का मतलब दो शादियां होता है और पॉलीगैमी का मतलब क्या है, दो से ज़्यादा शादियां। ओके अब देखो आगे चलते हैं। देखो बिगॉट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कट्टर व्यक्ति, मतलब कि ना जो ये कहता है भी मेरा जो मेरी सोच है जो मेरा धर्म है वही सबसे बढ़िया है, यानी कि धर्म धार्मिक तौर पर जो कट्टर होते हैं उनको बोलते हैं बिगॉट है। बिगॉट क्या होता है, जो धर्म धार्मिक तौर पर कट्टर है उसको बोलते हैं बिगॉट है, उसको क्या बोलते हैं बिगॉट है। देखो यहाँ पे ट्रंप का एग्जांपल दिखा रखा है, ठीक है ना, ट्रंप का एग्जांपल दिखा रखा है और ये बाकियों को देखो ट्रंप यहाँ पे वाइट दिखा रखा है और ये दोनों ब्लैक दिखा रखे हैं, तो ये कट्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मतलब कि अपने धर्म को या अपने सोच को दूसरों पर थोपता है या ये बोलता है कि मेरी सोच ही सही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बिगॉट है। ज़्यादातर ये धार्मिक लेवल पर देखा जाता है वाला वर्ड। नेक्स्ट वाला वर्ड है बायलिंगुअल। देखो बाय का मतलब है दो, लिंगू का मतलब होता है लैंग्वेज, तो अगर कोई चीज़ दो भाषाओं में लिखी गई है वो बायलिंगुअल है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्स लिखते हैं तो वो बायलिंगुअल होते हैं, वो हिंदी में भी होते हैं और वो इंग्लिश में भी होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बायलिंगुअल एग्जाम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफी। अभी हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई किताब लिखी और खुद के ऊपर लिखी तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर आपने कोई किताब किसी और पर लिखी वो क्या है, बायोग्राफी है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो बायोग्राफी लिखा है यानी कि जीवनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायोलॉजिस्ट। देखो IST का मतलब क्या बन गया, व्यक्ति, और बायो का मतलब होता है जीवन, तो जीवन की स्टडी करने वाला, जीवन कैसे चलता है, जीवन कैसे मूव होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, लाइफ कैसे चलती है, तो साइंस की लाइफ जो है, लाइफ की साइंस क्या है, बायोलॉजी होता है, और उसको स्टडी करने का बायोलॉजिस्ट होता है। बायोलॉजी आपको पता ही है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्सी। देखो ऑप्सी का मतलब होता है कट करना। बायो का मतलब होता है जीवित, बायो का मतलब क्या है, जीवित। देखो बायोप्सी का मतलब क्या होता है, किसी जीवित को कट करके उसके अंग की स्टडी करना। जैसे देखो अगर यहाँ पे बायोप्सी लिखते हैं ना, देखो क्या आएगा, देखो मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या करेंगे, किसके मान लो किसी हड्डियों में प्रॉब्लम है या अंग में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उस एरिए का ना थोड़ा मांस का टुकड़ा काट लेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इस एरिए का मांस का टुकड़ा काट रहे हैं और इस एरिए की स्टडी करेंगे, ये बायोप्सी है। ये क्या है, बायोप्सी का एग्जाम्पल है। आपने ध्यान क्या रखना, देखो बायो का मतलब होता है जीवित और ऑप्सी का मतलब काटना, तो ये बायोप्सी हमेशा जीवित पे होती है, जीवित के शरीर को कट करके या कोई उसके टिश्यूज को लेकर उसको स्टडी करना। हाँ हरीश चंद्र, मेरा एयरफोर्स का बैच चल रहा है अभी, ठीक है ना। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, जो जीवित को स्टडी करता है। देखो आपको यहाँ पे दिखा रखा है बायोप्सी का, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी तो देखो बायोप्सी और ऑटोप्सी में फर्क क्या होता है, दो वर्ड है, एक है ऑटोप्सी और एक है बायोप्सी। आपने क्या ध्यान रखना है, देखो बायोप्सी तो जीवित पे होती है हमेशा, ठीक है ना, और ऑटोप्सी हमेशा डेड पे होती है। अगर हम देखो यहाँ पे ऑटोप्सी लिखेंगे ना, देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोप्सी लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे डेड मिलेगा। देखो डेड पर्सन के ऊपर मतलब कि कोई उसका अंग काट के पोस्टमार्टम लाइक करना, वो क्या आता है, ऑटोप्सी होता है वो, ठीक है ना। अभी देखो ये सारा आप देख सकते हो, ये थोड़े खतरनाक चीज़ें हैं थोड़ी देखने के लिए, लेकिन ये ऑटोप्सी है, ठीक है ना। ऑटोप्सी हमेशा डेड के ऊपर होती है और बायोप्सी हमेशा लिविंग के ऊपर होती है। हाँ देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायपेड। देखो इंग्लिश में पेड का मतलब होता है पाँव, पेड का मतलब क्या है, पाँव, और बाय का मतलब दो पैरों वाला। जैसे आप ये देख सकते हो दो पैरों पे खड़ा है, तो ये बायपेड का एग्जांपल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। देखो मेरे बैचेस चल रहे हैं, अगर आप में से कोई आपका फ्रेंड जो डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहता हो, या कई लोगों को ना बेसिक इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, राइटिंग रीडिंग लिसनिंग एंड ग्रामर, तो ये सब मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, वोकैब। अगर आपके सर्कल में कोई भी है जो इंटरेस्टेड है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। दे कैन जॉइन द बैच, तो बैचेज आर गोइंग ऑन। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लास्फेमी। देखो ब्लास्फेमी का मतलब ना क्या होता है, किसी पवित्र चीज़ की निंदा करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अबाउट सेक्रेड थिंग्स, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की निंदा करना, मजाक उड़ाना, उनका तिरस्कार करना,
इज ब्लास्फेमी। देखो ब्लास्फेमी का अगर अपन वीडियो देखे ना, कोई इमेज देखे तो देखते कैसी दिखेगी। देखो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, यहाँ पे मतलब कि देखो किसी धर्म के क्राइस्ट के, देखो ये लोग उसको मार रहे हैं, मीन्स ऊपर क्राइस्ट का मान लो पुतला है और नीचे लोग पत्थर मार रहे हैं, तो ये ब्लास्फेमिक एक्ट है। जब किसी धर्म धार्मिक पुस्तक या धार्मिक चीज़ों का लोग तिरस्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी है। कभी कभी ऐसी पिक्चर्स भी होती हैं, ठीक है ना, वो सब ब्लास्फेमी के अंदर आता है, जो किसी के धर्म के खिलाफ हैं तो उनको बोलते हैं ब्लास्फेमी एक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोहेमिया। देखो बोहेमिया का मतलब होता है जो मतलब कि अपने ही तौर तरीकों से ज़िंदगी जीता है, जो रूल्स की परवाह नहीं करता, उसको बोलते हैं बोहेमिया। ये सो क्या बोलते हैं बोहेमिया, बोहेमिया सिंगर का नाम भी है। नेक्स्ट वर्ड है बोनाफाइड। देखो फाइड का मतलब होता है विश्वास, फाइड का मतलब क्या है विश्वास, और बोना का मतलब है पॉजिटिव। देखो जिनका बहुत पॉजिटिव विश्वास है, ठीक है ना, जो अपनी कमिट, जिनका फेथ बहुत मजबूत, जिनका इन गुड फेथ है, उसको बोलते हैं बोनाफाइड है। जैसे मान लो कि कंपनी है वो पिछले 20 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना, तो उसने कस्टमर्स का विश्वास जीत रखा है, वो बोनाफाइड कंपनी है। बोना का मतलब होता है पॉजिटिव और फाइड का मतलब विश्वास। जिनका बहुत पॉजिटिव विश्वास बना हुआ है मार्केट के अंदर, जो विश्वास के पात्र हैं, उनको बोलते हैं बोनाफाइड है। ऐसे कोई स्टूडेंट भी बोनाफाइड हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मैं ऐसा कह सकते हैं ना कि वो मेरा बोनाफाइड स्टूडेंट है, नहीं कि मेरा विश्वास वाला स्टूडेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बुकवॉर्म। देखो बुक तो किताब हो गया, वो मतलब कीड़ा, जो मतलब कि सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, उसको बोलते हैं बुकवॉर्म है, किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बूर। देखो बूर को याद कैसे करना है, इसको पढ़ना है अपने बुरा बुरा, तो यानी कि गवार, यानी कि जिसमें मैनर्स नहीं है, बात करने की अकल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ये गवार है, तो ये बूर है, ठीक है ना, अनपढ़ गवार को बोलते हैं बूर, तो बूर को बूरे से याद आ सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉटनिस्ट। देखो बॉटनिस्ट क्या होता है, वनस्पतियां या प्लांट्स के ऊपर जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट है, ठीक है ना। आप ये इमेज से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बॉटनिस्ट का क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉटनी, एंड दिस साइंस इज बॉटनी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं बुके, तो आप सबको पता ही है क्या होता है गुलदस्ते को क्या बोलते हैं बुके। बुके की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोर्जियोसिस। देखो बोर्जियोसिस का मतलब, यहां पे पूंजीपति लिखे है, इसको हम ये नहीं लिखेंगे। बोर्जियोसिस का मतलब होता है मतलब के एवरेज, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हैं आप, रेस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हैं बोर्जियोसिस। ये अपन डिस्कस भी कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बुटीक तो आपको पता ही है, जहां पे मतलब कपड़े वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह मेनली कपड़ों के लिए होते हैं, बुटीक आपको पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं ब्रूअरी। ब्रूअरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। जहाँ पर बियर बनती है, जिस जगह पे बियर बनती है उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं ब्रूअरी है ये। देखो एग्जाम्पल देखते हैं ब्रूअरी का। देखो अब ये कुछ दिखा रखी है ये आपके सामने, अब ये वो जगह है जहाँ पर बियर बनने का सारा प्रोसेस दिखा रखा है आपको, तो ये ब्रूअरी का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है, ब्रिगेंड। देखो अब बैंडिट और रॉबर, बटमार, ठीक है ना, ये चाकू वगैरह इसके पास, तो ये ब्रिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है ना, बैंडिट और रॉबर, लुटेरेट को बोल सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बुलियन। देखो बुलियन का मतलब क्या होता है, जो आप मतलब के वो लेते हो बिस्किट्स टाइप लेते हो, उसको बोलते हैं बुलियन। गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, जो सोने के बिस्किट मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पंपकिन। पंपकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपने पढ़ना क्या है, पंपकिन। देखो पंपकिन का मतलब तो कद्दू होता है, पंपकिन का मतलब है कद्दू, ठीक है ना। अब मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये किसी गांव में रहता है और ये कद्दू वगैरह खाता है, तो ये बम्पकिन है, यानी कि बेढंगा होता है, जिसको मतलब कि जो मतलब कि स्टूपिड को बोलते हैं बम्पकिन, इसको आप ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है ना, स्टूपिड को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं बंगलो। बंगलो का मतलब पता है क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा घर जिसपे ऊपर का माला नहीं है, उसको बोलते हैं बंगलो है। जैसे आप ये देख सकते हो, जितने भी बंगलो होंगे ना, उनका कभी भी फर्स्ट फ्लोर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं, अब मान लो अपन ये लिखा बंगलो, तो देखो आपको बंगलो का कभी भी फर्स्ट फ्लोर नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर रहता है इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बंटिंग। बंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो फ्लैग टाइप लगा देना, जैसे आप लड़ी दिख रही है, लड़ी को बोलते हैं, फ्लैग्स की लड़ी को क्या बोलते हैं, बंटिंग है ये। तो इसको मैंने कैसे रखा है, बंटी नाम का कोई लड़का है, उसका बर्थडे है मान लो आज, तो उसने अपने बर्थडे में बंटिंग लगा रखी है,
ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स यानी लड़ी लगा रखी है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, तो क्रेसी का मतलब क्या है, शासन, ब्यूरो का मतलब होता है अफसर, अफसर शाही को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अफसर शाही। जैसे आप मान लो कुछ अफसर वगैरह ये सारे डिसाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट कैसे चलेगी, काम कैसे होगा, तो ये ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, बर्गलर का आपको पता ही है, चोर को कह सकते हो आप, तो चोरी करने वाला। बरो, बरो का मतलब होता है बिल, जैसे अभी जैसे उसका बिल है ये बरो है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं बर्जर, देखो बर्जर का मतलब होता है स्कॉलरशिप बांटने वाला या खजाने को टेक केयर करने वाला। देखो बर्ज, इंग्लिश में बर्स ना इंडिकेट करता है पैसे को, या खजाने को कह सकते हो आप, खजाना, जो खजाने को मेंटेन करता है वो बर्जर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बचर, बचर का मतलब क्या होता है, कसाई, ये तो आप सबको पता ही होगा बचर। और कल हमने एक वर्ड पढ़ा था अबेटोर, अबेटोर क्या था बताओ, फर्स्ट वर्ड था बताओ जो हमने कल पढ़ा था अबेटोर, देखो बचर तो हमें पता ही है, अबेटोर का मतलब भी क्या था, कसाई खाना था। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं बायर, देखो बायर क्या होता है, जहां पे गायें रखी जाती हैं, गौशालों क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड इज बायर। ओके, हाँ बिल्कुल सही है वंशुल, बिल्कुल सही ज्योति। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है तो कैश, कैश क्या है, अ प्लेस वेयर ट्रेजरर्स स्टोर्स एमिनेशन आर हिडन। तो इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं कैश का, ये तो कैश मेमोरी दिखा रहा है, देखो यहां पे ये तो कैश मेमोरी दिखा रहा है, देखो इसका अपन एग्जांपल देखते हैं कैश एमिनेशन, देखो ये एग्जांपल है कैश का, जहां पर मतलब कि असला वगैरह रखा गया है उसको बोलते हैं कैश, या असले के इकट्ठा जो क्या बोलते हैं, जो सारा इकट्ठा असला है इसको क्या बोलेंगे, कैश बोलेंगे। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, अ प्लेस वेयर आर हिडन, जहां पे छुपाए गए हैं उसको बोलते हैं कैश, जैसे बिल वगैरह दिखा जहां पे छुपाया गया उसको, उस जगह को बोलते हैं कैश है। ओके, नेक्स्ट है कैकोग्राफिस्ट, देखो पहली बात तो IST आ गया, तो ये व्यक्ति बनेगा कोई, कैको का मतलब खराब, खराब हैंड राइटिंग वाला, अगर जैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है तो मैं क्या हूँ, या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है तो मैं कैकोग्राफिस्ट हूँ। ठीक है, कैकोग्राफी क्या होता है, बैड हैंड राइटिंग। और कैकोफोबिया, देखो कैको होता है बुरा और फोबिया होता है डर, बुरा दिखने का डर, कभी कभी हमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि भी मैं तो अच्छा दिखूंगा ही नहीं, तो ये जो डर है इसको क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया, कैको इज बुरा एंड फोबिया इज डर। नेक्स्ट इज कॉडिसिटी, इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, ये देखना पड़ेगा क्या है, इसको चेक कर लेंगे, आप चेक कर लें कॉडिसिटी। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट, देखो पहली बात तो IST आ गया तो ये पर्सन बनेगा, और ग्राफ का लिखना हो गया, कैली का मतलब अच्छा, सुंदर हैंड राइटिंग यानी कि सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने वाला, जैसे अल्फाबेट्स को सुंदर सुंदर तरीके से लिखने वाला क्या होता है, कैलीग्राफिस्ट होता है। तो कैलीग्राफिस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं आप, ये देखो ये सुंदर तरीके से बहुत डिजाइन बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कैलीग्राफिस्ट का एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो कैलीग्राफी का एग्जांपल है ये, कैलीग्राफी आपको समझ आई गया क्या। कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है ना, कठोर, जिसके मन में कोई दया नहीं है उसको बोलते हैं कैलस है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कैनिबल, कैनिबल क्या होता है, नरभक्षी, जो इंसान का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल है ये, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो कैनिबल का मतलब क्या होता है, इंसान का मांस खाने वाला क्या होता है, कैनिबल। इसकी थोड़ी सी इमेजेस भी देख सकते हैं हम ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए वर्ड। तो आप ये देख सकते हो ये कैनिबल के एग्जांपल्स हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, कैनोफिलिस्ट,
देखो इंग्लिश में ना कैनो यानी कि डॉग होता है, और फिल का मतलब लव, और IST का मतलब पर्सन। तो कुत्तों से प्यार करने वाला कैनोफिलिस्ट होता है, सिंपल सा ये। तो नेक्स्ट देखते हैं कैरकस। कैरकस का मतलब क्या होता है? जानवरों की डेड बॉडी। देखो जो इंसान की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं बताओ भी, ह्यूमन की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट करके बताओ, फटाफट बता दो। ओके बाकी चलते हैं, बताओ कमेंट करके बताओ। कार्डियोलॉजिस्ट, देखो लॉजी तो क्या हो गया, हार्ट हो गया, स्टडी हो गया, IST हो गया करने वाला, कार्ड मतलब दिल, तो दिल की स्टडी करना क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है मीन्स कार्टून को बोलते हैं कैरिकेचर, जैसे अभी ओबामा इसका कार्टून ना दिया, ये कैरिकेचर है ओबामा का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्निवोरस। देखो जो ह्यूमन की डेड बॉडी है ना, इसको कॉर्प्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। ह्यूमन की डेड बॉडी को बोलते हैं कॉर्प्स, और जानवर की डेड बोलते हैं कैरकस बोलते हैं, ठीक है ना, कैरकस। नेक्स्ट है वॉर। वॉर क्या होता है? भूख। और कार्न क्या होता है? मांस। इंग्लिश में अगर VOR लिखा मिलेगा, ये भूख को इंडिकेट करता है, और कार्न का मतलब होता है मांस। तो मांस खाने वाले जानवर, जो जानवर मांस खाते हैं, जैसे शेर है, शेर तो मांस खाते हैं क्या? कार्निवोरस है, ठीक है, कार्निवोरस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप्स बनाता है, जो मैप्स को ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर है ये। सो क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहां पे दिख रहे हैं आपको, ये मैप वगैरह बना रहे हैं, सारे के सारे रोड्स वगैरह के मैप बनाए जा रहे हैं, ये कार्टोग्राफर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? कार्टोग्राफिस्ट। तो ये पता लगी कि आपको कार्टोग्राफी भी पता लग गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या? कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? एक लिस्ट होती है, तो क्या कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजली अरेंज सिस्टमेटिकली इस कैटलॉग, ठीक है ना। अगर देखो मैं कैटलॉग लिखता हूँ तो किसी भी चीज़ की लिस्ट को दिखा देगा, किसी भी चीज़ की लिस्ट को दिखा देगा कैटलॉग। देखो ये कैटलॉग दिखा रखे हैं, ठीक है ना, कैटलॉग्स है ये कैटलॉग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? कैवलरी। तो आपको पता ही है घोड़ सवार सेना होती है, घोड़ सवार सेना क्या होती है? कैवलरी होती है। सेलिबेसी क्या होता है? कवारापन, ब्रह्मचर्य है, ठीक है ना। देखो एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशंस इज सेलिबेसी, ठीक है ना। और सेलिबेट क्या होता है? जो इस चीज को फॉलो करता है वो सेलिबेट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेलोफोबिया। सेलोफोबिया का देखो एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से डर। अब ये डर पता नहीं कैसा होता है, पर सुंदर चीज़ों से डरना, इसका मीन्स साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है मेरे को मालूम नहीं है, पर सेलोफोबिया ही सुंदरता से। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री की स्पेलिंग भी पेपर में आए हुए हैं। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। नेक्स्ट है सेंटिनरियन। देखो सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या है? 100, और जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं सेंटिनरियन है। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें सेंटिनरियन को, तो जिसकी एज 100+ हो गई है उसको बोलते हैं सेंटिनरियन है। 100 साल है तो सेंटिनरियन है। और सेंटिनरी क्या होता है? शताब्दी, ठीक है ना, जो 100 वर्षों के बाद 100th anniversary, उसको क्या बोलते हैं? सेंटिनरी है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, टिल दिस पॉइंट कोई आपको डाउट है तो बताओ। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जो केंद्र की तरफ चलती है फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है केंद्र यानी कि सेंटर की तरफ मूव करने वाला। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां पे दिखा रखी है जो सेंटर की तरफ मूव कर रही है वो सेंट्रीपिटल है। ये सेंटर दिखा रखा है, ये सेंटर की तरफ क्या है? सेंट्रीपिटल है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? सेंचुरी तो पता ही है, 100 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं।
अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सारा क्लियर हो गया? अच्छा, कल आपका टेस्ट, आज आपको वन वर्ड का टेस्ट दिया था। टेस्ट आपके पास डेली आता रहेगा, आप करते रहो, टेस्ट काम ही आएंगे, डेली टेस्ट चलते रहेंगे आपके, ठीक है? कल मिलते हैं, आज इतना करते हैं, ठीक है? कोई डाउट है तो कमेंट कर दो।